हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस डिश दाल वड़ा और नारियल की चटनी। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है और नाश्ते के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। मैं आपको इन वड़ों की आवाज़ सुना रही हूँ, आप देख सकते हो ये वड़े कितने क्रिस्पी बने हैं। ये वड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसके लिए हमें 1 कप चने की दाल लेनी है और उसे 3 से 4 पानी से अच्छे से धोकर 2 से 3 घंटे के लिए भिगोने रखना है। यहाँ पे मेरी दाल अच्छे से भीग चुकी है, मैंने उसका सारा पानी निकाल लिया है। अब मैं उसमें 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालूंगी और इसे पीस लूँगी। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, बिना पानी के पीसना है मिक्सर को बंद चालू करते हुए, क्योंकि हमें दाल को एकदम बारीक पेस्ट नहीं करना है। इसे थोड़ी सी दरदरी रखनी है और चने की दाल भी थोड़ी अक्खी होनी चाहिए। आप चाहो तो भिगोई हुई चने की दाल को साइड में रखकर बाद में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, हरा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक और कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं। इन सबको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इन सबको हमारी दाल के अंदर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर है और नमक भी डालकर मिक्स कर लेंगे और इसका एक मिश्रण तैयार कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाना। अब मैं इसका वड़ा बना के देख लेती हूँ कि इसके वड़े बनेंगे या नहीं। आप देख सकते हो इसके वड़े अच्छे से बन रहे हैं इजीली, मतलब हमारा मिश्रण एकदम बराबर है, एकदम परफेक्ट बना है। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रखा है, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप जितना गीला नारियल लिया है, 2 लहसुन की कलियाँ ली है। अगर आपकी लहसुन की कलियाँ छोटी हो तो आप ज़्यादा लेना, 3 से 4। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची और हरा धनिया एकदम थोड़ा डालना है। नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबल स्पून जितना भुनी हुई चने की दाल है इसे हमें बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है, इससे हमारी चटनी का टेक्सचर अच्छा आएगा। और जीरा लेना है। इन सबको हमें एक मिक्सर जार में डालना है और इसकी चटनी बनानी है। ये नारियल की चटनी आप इडली, डोसा, वड़ा किसी के भी साथ खा सकते हो। आज मैं ये स्ट्रीट स्टाइल बता रही हूँ, जैसे मुंबई के स्ट्रीट पर मिलती है वैसी चटनी बना रही हूँ मैं। इसके लिए हमें इस चटनी को थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। अब हम इसे पतला करेंगे। यहाँ पे स्ट्रीट की चटनी थोड़ी पतली होती है और मुझे भी पर्सनली वैसी ही पसंद है। हमारी चटनी तो एकदम परफेक्ट बन चुकी है, लेकिन थोड़ा सा पानी और डालकर मैं इस बर्तन को भी क्लीन कर लूँगी और मिक्स कर लूँगी। आप चाहो तो इस चटनी को गाढ़ा रख सकते हो, लेकिन ये चटनी पतली ही अच्छी लगती है। अब मैं इसका तड़का लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून उड़द दाल और कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं। सबसे पहले हम गरम तेल में उड़द दाल को डालेंगे, राई डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे और चटनी को तड़का लगा देंगे। इस तड़के से चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और उड़द दाल की वजह से तो चटनी का टेस्ट और भी अच्छा आता है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना, मुंबई में इसी तरह से स्ट्रीट पे चटनी मिलती है। अब हम वड़े बना लेंगे। इस तरह से हमें चपटे चपटे वड़े बनाने हैं। इन वड़ों को ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, हमें पतला ही रखना है तो ही ये वड़े अच्छे लगते हैं। अब हम तेल में डालेंगे और फटाफट से सारे वड़े बनाएंगे। हमें वड़ों को पहले से बनाकर नहीं रखना है, जिस समय हमें वड़ों को तलना है उसी समय हमें वड़े तुरंत बनाकर तेल में डालने हैं। और वड़े डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि वड़े अंदर से भी अच्छे से पक जाए और 1 मिनट के बाद इसे पलटी करेंगे। आप अगर इसे पहले पलटी करोगे तो ये टूट जाएंगे। इन वड़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये वड़े नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से हम इन वड़ों को टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। मैंने सारे वड़े फ्राई कर लिए हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी
और अंदर से सॉफ्ट वड़े बने हैं हमारे, और केले के पत्तों के बिना तो साउथ इंडियन खाना अधूरा सा है, इसीलिए मैंने इन वड़ों को केले के पत्तों पर सर्व किया है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।